न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय सुपर 35 कोचिंग इंस्टीट्यूट रीवा। रीवा शहर के रतहरा बाईपास स्थित एक होटल में खाना खा रहे कार सवार दो युवकों को पिस्टल की नोक पर बंधक बना लिया गया। रात भर सुनसान जगह में रखने के बाद दूसरे दिन कार में कहीं ले जा रहे थे। इसी बीच अस्पताल चौराहे में एक युवक पुलिस को देख चलते वाहन से कूद गया। डर के मारे बदमाश कार को साइड में खड़ा कर पिस्टल लहराते हुए भाग गए। जिंदा बचे दोनों युवकों ने ट्रैफिक पॉइंट में खड़े पुलिसकर्मी को पूरी जानकारी दी। पीड़ितों ने 10 लाख की फिरौती और अपहरण की बातें बताई, जिसके बाद पुलिस जवान ने अमहिया थाने को सूचना दी। अपहरण की जानकारी पुलिस के आला अधिकारियों को दी गई। ऐसे में एएसपी अनिल सोनकर दोनों युवकों से थाने में पूछताछ कर रहे हैं। एएसपी अनिल सोनकर ने बताया है कि कार क्रमांक UP 85 BW 2677 में सवार होकर राजस्थान से भरतपुर से किशन सिंह और रिंकू सिंह प्रयागराज जा रहे थे। गुरुवार की शाम रतहरा बाईपास स्थित एक ढाबे में खाना खाने के लिए दोनों ठहरे हुए थे, तभी आधा दर्जन बाइकों में एक दर्जन बदमाश पहुंचे, जिन्होंने पिस्टल की नोक पर दोनों को उन्हीं की कार में बैठाकर अपहरण कर लिया। आपको बता दें कि एक दर्जन बदमाशों ने दोनों युवकों को रात भर एक घर में रखा हुआ था। शुक्रवार की सुबह आरोपियों ने दोनों युवकों के मोबाइल, एटीएम कार्ड सहित 50,000 से ज्यादा कैश छीन लिया। साथ ही आरोपियों ने धमकी देकर पीड़ितों के परिजनों से 1 लाख रुपए अपने खाते में डलवा लिए। इसके बाद भी बदमाश 10 लाख रुपए की और फिरौती मांगी। डर के मारे एक युवक ने बीमारी का बहाना किया, जिसके बाद बदमाश इलाज कराने शनिवार की शाम 5 बजे अस्पताल लेकर जा रहे थे। ऐसे में मौके का फायदा उठाते हुए पीड़ितों ने पुलिस को देखकर कार से छलांग लगा दी। वहीं दूसरी तरफ बदमाश भी कार छोड़कर फरार हो गए। फिलहाल इस पूरे मामले में अमहिया पुलिस जाँच कर रही है। संभवतः शनिवार तक पूरा खुलासा किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, विराट 24 न्यूज।